सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के लिए बनाया और शाह साहब क़िबला ने भी पीर तरीक़त तरावर शरीयत पीर सैयद मंसूर अली शाह साहब गीलानी दामन बरकात मुलालिया ज़ेब सज्जादा आस्थान आला आलिया पीर वाला शरीफ आप मसनद सदारत पर भी जल वगा रहे हैं और उर्स मुबारक की तकरीब भी राजदार ख़त्म नबूवत के नाम से आपने रखी है और आप भी आ गए और मैं भी आ गया। सुभान अल्लाह। अब जिनके लिए सब कुछ बना आला हज़रत क्या फरमाते हैं, ज़मीनों ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनीनों चुना तुम्हारे लिए, बने दो तुम्हारे लिए, दान में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद सियासत फरमाई, हमने मैंने कभी भी नहीं कहा मैं गैर सियासी, हुजूर ने खुद सियासत फरमाई, फिर सिद्दीक़ अकबर ने सियासत फरमाई, फिर फारूक आलम ने फरमाई, फिर उस्मान गनी ने फरमाई, फिर मौला कायनात ने फरमाई, फिर इमाम हसन ने फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम जहाँ भी हैं हुजूर की बात करते हैं और लब्बैक का मैं मुफ्ती साहब से दरख्वास्त करूँगा, हमारे डिवीजनल नाज में आ गए हैं या अमीर हैं, मुफ्ती साहब अमीर हैं, तो मेरा नाम ना लिया करें खुदा के लिए, ये आगे बड़े बड़े बुत पूजे हुजूर की बात करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस हमारा मंशूर और दस्तूर यही है, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बिल्कुल, इसके अलावा कोई तारुफ नहीं, कोई बात नहीं, बस हमारा एक ही मंशूर है, एक ही दस्तूर है, लंबा चौड़ा लोगों का होगा, इसी के तहत सब कुछ आज हो जाएगा, उन्हें जाना उन्हें माना, ऐ जो अपने बाजू बनना है ये आ जा उठाए करो, कुछ नहीं होगा, ये शर्माने वाली और बड़ी गल, ये शर्माने गल नहीं है, तो इज्जत आबरू वाली बात, हां जी इन बाजुआ ने बड़ी उठन की बड़ी कीमत लगनी क्या। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन एक तरफ मीज़ान लगा होगा तो वहाँ रोजे नमाजें हज नेकियां तोली जा रही होंगी और दूसरी तरफ वो घोड़ा जो इस्लाम के लिए रखा गया, अल्लाह की राह में रखा गया, हुजूर की हिफाजत के लिए रखा गया, हुजूर ने फरमाया उस घोड़े की खुराक तुल रही होगी, उस घोड़े ने जो सारी जिंदगी पानी पिया वो मीजान में तुल रहा होगा, सुभान अल्लाह, घोड़े का बड़ा पेशाब भी तुल रहा होगा, सुभान अल्लाह, छोटा पेशाब भी तुल रहा, सुभान अल्लाह। असी जिस दीन दी गल करते हो दीन ऐ वे, उस घोड़े के दो में पेशाब भी कयामत वाले दिन नेके चल जाएंगे। हां जी, तुसी की लबैक दे नारे ना शर्मांदे हो तुसी, मैं जब स्टेज पर आया बड़ी गर्मी थी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ये हमें तो पंखा लगा देंगे भाई, ये लीडर साहब बैठे हैं तो इन मस्कीनों को पंखा कौन लगाएगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो इन तंसरुल्लाह यंसुरकुम, ये अल्लाह का वादा है, पहले तुम अल्लाह की मदद करो, सुभान अल्लाह। ये कुरान की नस है, सूरह मोहम्मद शरीफ का पहला रुकू है, ये जाके गौर ना पढ़ना,
इन तंसुरुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया अगर तुम पहले अल्लाह की मदद करो, यानी मुराद अल्लाह के दीन की मदद करो, रसूलुल्लाह के नामूस की हिफाजत करो, हुजूर की खत्म नबूवत के पहरेदार बनो, तो फिर तुम्हें तनहा छोड़ दिया जाएगा। फरमाया नहीं नहीं, अगर तुम पहले अल्लाह की मदद करोगे तो यंसुरकुम, फिर अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। फिर हम आई के नहीं आई, हम नहीं आई, आई 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 बिल्कुल दीन की मदद करो। लेकिन वो हम फैजाबाद में जब बैठे हुए थे ना, तो बाद में वो जिन्होंने हमारे ऊपर हमले किए थे, उनसे किसी ने पूछा नहीं, वो बंदे मौजूद हैं, हम उनको पेश भी कर देंगे। उनसे पूछा, भाई तुम क्यों दौड़े, हजारों की तादाद में मौजूद थे, वो निहत्ते लोग थे, वो तो सिर्फ लब्बैक का नारा और ताजदार खत्म, तुम क्यों दौड़े। उन्होंने कहा कि जब हम उनकी तरफ जा रहे थे ना, हमला करते हुए गोलियां चला रहे थे आंसू गैस, तो पीछे से हमें पत्थर पड़ने लगे। अल्लाह, कहते पीछे मुड़कर देखते थे तो नजर कोई नहीं आता, अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब असी हुनैन च भी असी बदर च भी ओहद च भी जिथे भी सहाबा नूं लोड़ पई वह लश्कर नाजिल की जिन्हां नूं सहाबा वेख नहीं सन रहे। जदों हुजूर दे ऐडे गुलामां नूं फरिश्तियां दी लोड़ है यार, वो तो जिस साख उत्ते चले उम्मत तो साख तो कुर्बान होने भी काबिल नहीं, साहबा जिन साख उत्ते चले आले बैत तो साख उत्ते चले तो यार उन्होंने फरिश्ते की लोड़ है कि असि सदिया बाद तो सानू जे कुत्ते नूं तो बहुत लोड़ है ना बदल। लेकिन पहली शर्त है तंसुरुल्लाह, मौलवी कादिम लाहौर बैठा रहा ना अपने कमरे च, खत्म नबूवत पर पहरा वैसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होना ना ना, साहबा मदीना पाक बैठे रहते फरिश्ते ने नहीं आना, मेरा आकर फरमाया चलिए, उन्होंने कहा जी हुक्म तो करो चलिए। मैं गल पढ़ के हमेशा मैं सही होगा तो मैं उठ के जनाब रक्स करना शुरू कर दिया, भाई बंदे 305 तलवारा सिर्फ 8 8 बंदियों तो साहब हुजूर ने हिस्सा दिता ना, बाकी 8 बंदे साहबा मौजूद नहीं सन पता रहे, उन्होंने तो हुजूर बदलियां भी शुमार किया, उत्थे जिहड़ी हाजरी सी वह 305 आई, तलवारा ते आ गई 8 साहबा नूं, बाकी जिहड़े 297 जंग की लैण च खड़े सन वह कि पावर नाल खड़े, बंदा क्या बार खड़ा सी उन्होंने तलवारा नपी हुई नेजे, तो जिहड़े साहब ऐन खड़े सन हाथ खाली खड़े सन वह कि पावर नाल खड़े सन। मोमिन दुनिया जिन्हों नामुमकिन समझे, हजार बंदा के खड़े हो गए तो बंदे ने हथे खड़े हो गए, ये किन जो सकता एक बात कहना इस करके मैं खाना है जो सकता हो के जो सुभान अल्लाह मसीह ओ सफी खलील ओ रदीर
رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اسالت امامت سیادت عمارت حکومت خدا تمہارے خلیل و ندی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے این کر کے لبیک کا نعرہ لا کے جانا ہے قیامت نو جدوں ایک واری لبیک کا نعرہ آوے سارے جمع ہو جاؤ حضور فرمان ہوئے لبیک کا نعرہ جمع ہو سبحان اللہ میں دس دیواں گا پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر سبحان اللہ این کر کے جانا ہے تو ہی ہونا ہے دل بالکل ساری محبت دپا بار کڈ کے تے جدوں حضور دا نام آوے تے ہر شے پھر اینج ہوے دو نمبر بندہ حضور کو ویکھ کے بھی دو نمبر جڑے سن وہ دو نمبر ہی رہ جنہاں دو نمبر حضور نے دی اے مت سمجھا اے تے میں حدیث پڑھ کے ہمیشہ اپنے ایمان دی حفاظت دی دعا منگا کہ پانچ ٹائم بندہ حضور اج اسی صرف نعرہ لایا تے ہر شے جڑا پگڑن لگ پئی ہاں جی پانچ ٹائم بندہ حضور دا دیدار کرے پھر کوئی کی ہوئے ہوئے ہاں تے جلدی نے دو نمبر ہاں جی ہاں جے لبے نال کھڑا ہونا ہے تے پھر این کر کے کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ پھر مگر شان لے کے کھڑا ہونا ہے سب کچھ میں خاطر مریا
قیامت آنی اس دن پھر کی ہونا ہے حضور نے خود اپنی شانہ بیان فرمائی وانا افضل الناس خروجا الى بعث وانا قائدهم الى وفد وانا خطيبهم الى انصت وانا شفيعهم الى حبس وانا مبشرهم الى يئس ان ترى من المفاتيح يومئذ بيدي ولله الحمد يومئذ بيدي آج جلے ہونے کا نعرہ لانے شرمان دے ہو اینج ہونا چاہیے بدر اگر کبھی ہوتا جلے بس این حضور نال سجیدہ بندے دا کام ہی اتھے کوئی نہیں اتنی بات تے سمندر سامنے ہون تے صحابہ کہن را دے دریا سامنے ہون تے کہن را دے دریا پار کر دے تے مچھن نہیں بڑدیاں صحابہ دے گھوڑے کیویں بڑ گئے سبحان اللہ اقبال کو پوچھو اقبال نے گل کی بڑی حضرت صاحب صرف دریا نوں کہو نہ پل توڑ دیتے اسی پار جانا ہے اسلام دی خاطر راہ دے دریا لمبا پی گیا اک دن سبحان اللہ لمبا تا میں کہنا بھائی جب صحابہ دے دریا دجوا پار آن لگے ہوئے سی انج تے صحابہ دے گھوڑے پار لگے نا تے انہاں دے پیر وی گلے نہیں سن ہوئے سبحان اللہ تے پانی گھوڑے دے جڑا سر تے اوپر جا رہے سی پار نکل کے حضرت صاحب فرمایا میں کسی کی شاید نہیں ڈٹھی انہاں کہے جی صحابی کہن لگے میرا پیالہ ڈگ پیا مجھ دی رسی بڑی کمزور ہے ڈگ پیا حضرت صاحب پھر مڑے دریا نے فرمایا پیالہ دے اوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ وفات ہونے تو ہم تیرے بات دب نہیں لائی نا شاعرانہ کوئی بات کی تھی انہیں حقیقی بات کی تھی ایک چھان لائی انہیں کہا لو جناب اے پیالہ ماشاءاللہ سبحان اللہ آیا نہ کرتے ہو کیوں بار نصیبہ ہزار رضا وچ رکھے تھے محمد سبحان اللہ لبیک کے نال کھڑے ہو بالکل سیدھے تیر ہو کے کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ نہ کسی کو ختم کرنا ہے نہ ساڑے منشور وچ بات داخل ہے نہ اسی کسی نال لڑنا ہے نہ اسی کسی نو گال کڈنی جڑا بھی کوئی گل کرے نے کہ یار تو اپنا کام کرنا سر حضور دے دین دا کام تو کرن ہاں جی بے شک یہ تے چاہنے ہوں کہ اسی کسی نہ لڑیے لیکن اسی نہیں لڑنا لڑنا ہوتا تو ساڑنا جو کچھ ہے زیادتی ہے جیلج کی کیا باہر آکے سے روندے میں رہتے بیش ڈیڑھ سال میں روندے ہیں لاب جائے اسی ساڑنا لے ہویا ہوئے ساڑنا لے ہویا ہوئے بڑا ہے زلم بینا کی تو بڑے ہیں کیا تو بڑے کسی سنے ہیں روندے ہیں پورا میرا خاندان اندر رہا بار بندے نو پچڑا پچ پنجا پچ پنجا ساز میرے برا میرے جڑا میں روئی میرے بھانجے میرے بھتیجے میرے مامے سارے اندر کر دیتے میں رویا پاکستان کا مطلب کیا ہوگا کہنا ہے
चले जो सूरज ढलिया तो कहने हजूर ने फरमाया आराम करो मैं कल तरी तवजो असें की दिन का किया कहने जो सूरज ढल गया तो मैं अपना लिबास पाया जंगी ते मैं घोड़े ते सवार होया तो हजूर पाओ अफीफ उस्ताद ही हजूर एक खैमे में जलवा कर सर इतना उच्चा तंबू है तभी इतने तुम पसीना पसीना होया सी रसूल खैमा तो होता ही इतना सारा सख्त फरमाते यौम काज शदीद अल हर दो लफ्ज़ तीन भी बड़ा सख्त सी गर्मी दवी ना पूछो हुजूर खैमे में जलवा कर सन अल्लाह उत्थे कोई एयर कंडीशन नहीं सन लगे हुए कहंदे मैं अर्ज कीती का खान अर रवा मैं अर्ज कीती हुजूर कूच करने का वक्त आ गया हुसैन अभी जाना है मेरे आका ने फरमाया जल हां ठीक है कहंदे फिर हुजूर ने आवाज दीती फरमाया या बिलाल कुम फरमाया बिलाल उठिए फसारा मिन तहत समरा दिल कान्ना जिल्ला उ जिल्लो ताकर ऐ ते बंदा छल्ला हो जांदा है कल सुन के हजरत अबू अब्द रहमान फेरी सहाबी कहंदे हजरत बिलाल उस किक्कर दे दरख्त थल उठे जितना इहदा साया सिर्फ एक परिंदे जितना सी अल्लाह साया है सी कोई नहीं हजरत बिलाल उठे सुनते रहे दूर क्यों नहीं जाके सुनते हुजूर बुलान ते फिर ताखीर हो जावे जवाब सुभान पता है फिर की उन्हें आवाज दी जरा हुई जरा लगा दी मतलब बैठ मारा सियासी ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है जब तो हजरत बिलाल उठे ना उस दरख्त थलो किकर दे दरख्त थलो जिदा साया परिंदे जितना सी अरज की लबै वसा दै माना फिदाओ का या रसूल सुभान अल्लाह सियासी नारा लाया हजरत बिलाल अरज की हुजूर मैं हाजिर ते खुशी खुशी हाजिर ते मैं कुर्बान हुक्म दो की कर सुभान अल्लाह अगली गल बड़ी अजीब من ليفه لا سفي اشر ولا بطر ركب فركبنا ابو عبد الرحمن فيري کہہ دین حضرت بلال جڑا زین کڈیا نا اے میں رات ہی پڑھا نا تے تو اجے تے میں روندا رہا ہاں ہن تواڈے سامنے نہیں رونا اے کڈیا ریاکاری کرنا اللہ کہہ دین او تے دوویں طرف خجور دے پتے بھرے ہوئے سن ماشاء حضور مدینہ پاک تو چپ کے آئے سن انس بن مالک پتہ ہے کی کہندے میں 10 سال حضور دی خدمت کیتی ما مسس تو خزن ولا حریرا ولا شیئا کان علینا من کف رسول اللہ فرمایا میں 10 سال حضور دی خدمت کیتی میں مسافر کیتا میں حضور دے جسم کول پڑھ کے نہ کوئی ریشم نرم پایا نہ کوئی کائنات دی ہوت نرم پایا سبحان اللہ حضور اودے تے سوار ہو کے آئے سن ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਾਣਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬੀਰ ਵਾਸਤੇ ਐਵੇਂ ਤਖਤ ਆ ਜਾਣਾ ਐਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੀਨ ਤਖਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੀਨ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਦੀਨ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦਾ ਤਖਤ पेश शराबा पीने
अल्लाह शरीफ के सामने झुकने वाले ते मूर्तियां के झुकने वाले जलीला तू बराबर कर देते हुजूर आ गए बात हो गई खत्म कलम मसल में आहम मुजमल कौन तफसीला कौन तबीला अल्लाह महफूज कनवा रोशन होया और मिसल कदीला विच सफीला और लाल चरावा शम्स तो ले दे और अक्सर कौम रजीला घड़न तलीला और गुलाम मोहम्मद ओ तफसीला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और हुजूर आ गए सूरज के हां जी ऐसी मोहब्बतियां पूछी हुई है साडे मुकाबले लेना चाहते हो खड़े जमात कुछ भी नहीं किया सिर्फ हजूर की गल करी कहते मौलाना बड़ी सख्त बातें करते हैं दसो एक बंदा कहता हजूर के दीन में फजीलत भी कोई नहीं रही फिर की बचिया पिछो दसो साहब साड़ी तारीफ बची की है दसो तुम मैंने की बचिया फिर फैजाबाद की फिल्म बनी हुई ना ये 50 साल तो बाद कोई नौजवान वेखेगा कहेगा फिल्म सारी फिल्म बनी हुई ये फिल्मी कोई सीन है हकीकत नहीं हो सकता उधर शन चल रहा है गोलियां उधर एडे एडे वट्टे मारे जा रहे हैं चारों तरफ घेरे जा रहे हुए फिर ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लग रहे हो कहने का नहीं है फिल्म बनाई किसी ने ड्रामा बनाया ये हो नहीं सकता किन हो सकता तो फिर वो आज तक मैं भी नहीं देख सकता 5 मिनट मेरे को हूं नहीं देखा जाता वो मंजर मैं कहना यार ये नहीं देखा जा रहा तू बंद कर दे वो हूं नहीं देखा जाता मैं तो उस वे खास बात सी मालिक का काम लेना सी फिर ताकत भी दे दी बेशक बेशक और इन्हें सामने नाशक गिरतियां वेख के भी नसिया कोई नहीं बल्कि गिरती सी छाड़ मार के मुंडे साढ़े होर हो जाने ये तो मंजर ही बयान होया क्या मतलब जड़ा लोग कह हजूर फैजाबाद के अलावा किसी का धरना हूं मुकम्मल नहीं होना चाहे सू गाला कड़ के करे फैजाबाद का जिक्र या साड़ी तारीफ करे हाँ फैजाबाद का नाम लै बगैर हम धरने मुकम्मल नहीं होने तारीफ ही नहीं मुकम्मल होने जरा मिशन लिया के गया अभी खामे में क्या पहले अस्तीफा लिया नहीं हो सकता मैं तो फिर टैंक लिया नहीं होना दस जाना इतो मैं फिर सहाबा चंगे इमामत 1200 शहीद हो जाऊं उम्मे उमारा का जनाब दस भी कट जाए कमल मैं मुसलमान अपने हाथ नाल मारिया मैं कहो तेरे साहब याद इतनी दलेर इंसान से तेरे साहब की तो गल ही छड़ दो ना हां जी साहब के बारे गल करे हुजूर जेड़े मस्जिद दी सफा नहीं बचा सके उन अब कैसे और किस तरह दो जनाब सुपर पावर चढ़िया आज कोई कुत्ता उठ के साहब नु भौंके अपनी मस्जिद की सफा मल नहीं बचा सके मस्जिद के स्पीकर ना बचा सके और जनाब कुरान हदीस निसाब च पढ़ा के बैठ गए पूरे कुफर दे दो जरासीम थले लंबे पै गए खिश खड़की की आवाज आई आवाज आई कि मैं उठ खड़ा होया भाई कौन आ गया मान लुकन आ गया कहने लगे मैं क्या कौन उस सहाबी ने पैर उत्ते रख के ना किसरा बादशाह का ताज जड़ा पाता हूं
पैर के रख के कहने लगे यार मैं उन्हें कतल किया मैं उधर ताज देना आया पैर के रख के आने आये ठोकर मार के मैं तुम माल दे ढेर ना आने जनाब किसका देता और जब पैरेदार साहबी सर ने कहा ठहर जाओ एक ताज भी तो अनु लबना तो संत किसान ने मारा पर मार पर करो मैं किसी खातिर मारा ओ जाने दे मैं जाऊंगा असि इन्हों मन वो तो पैरों के रख के बाद सामा के ताज की एक्शन करते असि उस इस्लाम की गल करने चाह की प्याली के जो व्यक्ति उन्होंने की पता उस हाथी ने पैर उसे सोना रख के किए सुखे इस वास्ते शेरो अगर पैर के नाल खड़े हो हुजूर का दीन आ जाना इंशाल्लाह 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 नहीं होगा ना तो फिर आयत पढ़ के क्या करो इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व यसब्बित अक्दामकुम अल्लाह अपने वादे का खिलाफ नहीं करता बेशक बेशक अल्लाह ने फरमाया इनल्लाह ला युखलिफुल मीआद अल्लाह अपने वादे का खिलाफ नहीं करता वादा उसका यही है पहले तुम दीन की मदद करो फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और अगर पांव उखड़ने की बारी आ जाए शादी बंदी 15 रह गए सर सारे के ढह गए सन खानाबाद सारे के होश हो गए सर बंदे तक 10-15 रह गए सर मेरे ना और कंटेनर पे रह गए और शफी कमी नहीं आया मेरे कान में गल करने लगा कहने लगा आ गए कंटेनर के शीशे तोड़ रहे जिसे तुम बैठे हो मैं आखा फिर कोई बात नहीं या मौत है या गिरफ्तारी है मैं आखा तू ते की लड़ा है रोज कहना मैं जब कंटेनर को छाल थले मारी हजारा बंदे के नस पे सुभान अल्लाह ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਲਜ਼ਲੂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਦਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਅਸਬਾਬ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵਣ ਬੇਕਾਨੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵਣ ਕਮਨ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਦਣ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰਦਣ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਇਹ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ फिर सानू मारन ते बिल्कुल खबरां भी बन के बाहर टीवीयां ने चला दितियां सारा मुंतशिर हो गया धरना सारे गिरफ्तार हो गए बस टीवीयां खबर भी चला दितियां लेकिन पता उदो लग्या जदों हजारां मसले नजर आए भैया हत्ता यकूल रसूल सलाम पढ़ी चौदह अगस्त की रैली